नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को बैतूल दौरे पर हैं, जहां वो प्रदेश के किसानों के बीच फसल क्षति राशि वितरित करेंगे। उत्तराखंड के लालकुआ में सीएम शिवराज ने की चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट, जनता के बीच सीएम ने थामा था माइक। लालकुआ में राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीएम ने कसा पंच, कहा राहुल कंफ्यूज भी हैं और उनका फ्यूज भी गुल है। सीएम ने कांग्रेस के चार धाम चार काम का किया पलटवार, कहा बीजेपी सरकार चार धाम का विकास कर रही है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत पर बोले सीएम शिवराज, कहा कांग्रेस ने स्वर्गीय विपिन रावत को सड़क का गुंडा कहा था। लालकुआ में सीएम ने लव जिहाद को लेकर भी साधा निशाना, कहा लव चलेगा, लव के नाम पर जिहाद नहीं चलेगा। हरिद्वार में सीएम शिवराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का उत्तराखंड करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, चार धाम तो पहले से उत्तराखंड में है लेकिन अब बीजेपी यहां पांचवा धाम सैन्य धाम बनाने जा रही है। सीएम ने कहा कि चुनाव के वक्त अब कांग्रेस भी रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी है, यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस पहले राम को काल्पनिक बताती थी। अल्प प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब याद नहीं आई, अब आकर धरना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैंने सब्जियां बेची हैं इसलिए इन विक्रेताओं के दर्द को समझता हूं, लिहाजा विशेष रूप से सभी से मिलने और समस्याओं के निदान के लिए आया। पीसीसीजी मोहन मरकाम शुक्रवार को सरगुजा पहुंचे और राष्ट्रीय मोहिनी भवन में आयोजित डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सरगुजा संभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिजिटल सदस्यता के माध्यम से अधिक लोगों को सदस्य बनाने की ट्रेनिंग दी। फरवरी महीने तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस डिजिटल सदस्य अभियान के माध्यम से जनता तक अपनी योग्यताओं योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे महेश्वर, अहिल्या फोर्ट में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद कलेक्टर और एसपी और पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने किया स्वागत। दो दिवसीय दौरे पर राज्यपाल पर्यटन नगरी महेश्वर में शनिवार को मां अहिल्या की गादी मंदिरों में दर्शन और नर्मदा पूजन दर्शन करेंगे राज्यपाल। बीजेपी ने की समर्पण निधि अभियान की शुरुआत, लालघाटी चौराहे पर पहुंचकर वीडी शर्मा ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से शुरू किया समर्पण निधि अभियान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंडिया न्यूज से की बात, पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि से शुरू हुआ अभियान। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने समर्पण निधि अभियान की शुरुआत में सीहोर के गणेश मंदिर में दर्शन किए, भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। न्यूज से बोले वीडी शर्मा, कहा निधि समर्पण का एक बड़ा इतिहास बनाएगी बीजेपी, सक्रिय कार्यकर्ताओं की मेहनत पर जल्द पूरा करेंगे टारगेट। वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार, कहा यह कांग्रेस की तरह चंदा वसूली नहीं है, स्वेच्छा से निधि समर्पण का है अभियान। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश में बीजेपी कर रही बड़े आयोजन, कृष्णबाबू ठाकरे परिसर में दी गई श्रद्धांजलि। अभियान में 150 करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य, हर बूथों पर जुटेंगे पार्टी कार्यकर्ता। रायपुर में बीजेपी कार्यालय कृष्णबाबू ठाकरे परिसर में मनाई जा रही पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि, सभी जिला कार्यालयों और मंडलों में भी आयोजन। बीजेपी के समर्पण निधि अभियान पर कांग्रेस का तंज, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने साधा निशाना, कहा बीजेपी का यह अभियान आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने का अभियान है। उन्होंने कहा आम जनता बेरोजगारी, महंगाई और बिजली के बिलों से परेशान है, कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा बीजेपी तो दुनिया की सबसे धनवान पार्टी है, क्या बीजेपी 150 करोड़ से 100 करोड़ गरीब लोगों को दान में देगी।
राज्यपाल मंगोय पटेल अपने आधिकारिक कार्यक्रम के तहत मांडू पहुंचे। मांडू की ऐतिहासिक इमारत जहाज महल सहित अन्य इमारतों को उन्होंने देखा। ब्लैक फंगस से महिला की मौत पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा गहरी डायबिटिक से पीड़ित थी महिला। सारंग ने कहा 6 तारीख को म्यूकर के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी महिला, कोविड हिस्ट्री नहीं थी ना ही कोविड के लक्षण थे। जेल में खत्म होने जा रही कोरोना की पाबंदियां, बंदियों के परिजन कर सकेंगे मुलाकात, कोरोना के कारण लगाई गई थी पाबंदियां। ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट निर्माणाधीन टीम रोड निर्माण कर रही L&T कंपनी प्रबंधन के धीमे काम पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री सिलावट ने फरवरी महीने की आखिरी तारीख दी की दी डेडलाइन, दिल्ली के राजपथ की तर्ज पर लगभग 300 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हो रही है थीम रोड। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त, उड़ीसा के रामचंद्र कुटिया को बनाया गया मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे 6 नए जज, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद न्याय विभाग ने जारी किया अधिसूचना। जल्द होगा नवनियुक्त जजों का शपथ ग्रहण समारोह, नए जजों में 3 मौजूदा अधिवक्ता और 3 जिला जज जल्द होंगे। हाईकोर्ट में कुल 53 जजों के पद स्वीकृत किए गए हैं, 6 नए जज मिलने से कुल 35 जज हो जाएंगे। जल्द सैटेलाइट से ऑपरेट होगा मध्य प्रदेश का बिजली तंत्र, बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर और घरों के बिल GIS होंगे टैग। अगले 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश भर का बिजली तंत्र GIS पर होगा उपलब्ध, हर उपभोक्ता पर बिजली महकमे के GIS मैप पर होगा उपलब्ध। MBBSC 2019 रिजल्ट की संवैधानिकता को चुनौती का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और MBBSC को जारी किया नोटिस। केंद्रीय जेल में कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी जेल में बंद कैदियों तक सामान पहुंच रहा है, जेल के बाहर से वस्तु फेंककर उन तक सामान पहुंचाया जा रहा है, जेल के अंदर का सामान फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। जेल की बाउंड्री के बाहर से एक युवक कोई संदिग्ध वस्तु जेल के अंदर फेंकता हुआ नजर आ रहा है, वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जबलपुर में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, कुछ बदमाशों ने ATM कैश वैन पर फायरिंग करते हुए 2 गार्ड्स को गोली मार दी और लाखों रुपए से भरा बक्सा लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बक्से में 40 लाख रुपए कैश था जो ATM में रखने के लिए ले गए थे, तो घायलों को तत्काल भर्ती कराया गया जहां एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तेज की तैयारियां, राजधानी भोपाल में 104 केंद्रों पर होगी परीक्षा। केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे बैरिकेड्स, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित, कोविड-19 गाइडलाइंस का भी कराया जाएगा पालन। पूर्वा में सरस्वती के ऐतिहासिक विभाग के साक्षी बने जनप्रतिनिधि और अधिकारी का निदान करने पहुंचे डॉक्टर महंत और उनकी पत्नी ने निभाई रस्में। डॉक्टर महंत ने कोरबा जिले के पाली ब्लॉक में 24 साल पहले सरस्वती को गोद लिया था, अब उसकी शादी में भी शामिल हुए डॉक्टर महंत। अस्पताल में नर्स को गोली मारकर हत्या करने के मामले में नर्सों ने की हड़ताल, अस्पताल में काम बंद कर धरने पर बैठे स्टाफ नर्स, गोलीकांड के विरोध में नर्सों की हड़ताल। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा भी बैठे धरने पर, बोले भिंड के जिला अस्पताल में कोई सुरक्षित नहीं है, गोलीबाजी की दूसरी वारदात है। भोपाल में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अजय श्रवण पर कार्रवाई, प्लास्टिक थैली के व्यापार के एवज में मांगी थी 10,000 की रिश्वत। रिश्वत लेने के लिए साथी कर्मचारी को भेजा था रेलवे विभाग ने नोटिस, रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ साथी कर्मचारी। इंदौर में वापस लिया गया CMHO का अनोखा आदेश, कर्मचारियों को शनिवार को भी काम पर आने का दिया गया था आदेश। आदेश को 24 घंटे मोबाइल चालू रखने की कही गई बात, आदेश का विरोध हुआ तब महज 4 घंटे में ही इसे निरस्त कर दिया गया।
उधर के दुर्गापुरी क्षेत्र में देर रात निकल रही बारात में विवाद के बाद जमकर हुआ पथराव। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंदौर में गोली चलाने वाले बदमाश का पुलिस ने निकाला जुलूस। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में शराब के पैसे नहीं देने पर एक व्यक्ति की गोली मारकर घायल कर दिया। जबलपुर में कोहरे की वजह से हुआ हादसा, ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार कार, दो लोगों की मौके पर हुई मौत, एक गंभीर हालत में भर्ती। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जा रहे संत त्यागी महाराज चोहरा राष्ट्रीय राजमार्ग के धनगवा ग्राम के पास हुआ हादसा। बैतूल के 40 आदिवासी मजदूर कर्नाटक में फंसे, सभी मजदूरों को कर्नाटक में बंधुआ बनाकर रखा गया है। मजदूर परिवारों के साथ 2 से 3 साल की उम्र के 11 बच्चे भी हैं। पिछले साल दिवाली के समय 2 महीने के लिए मजदूरी करने गए थे कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत सिंह कुमरे ने कर्नाटक के पुलिस प्रशासन से बात की, अधिकारियों से नए मजदूरों को सकुशल वापस भेजने का आश्वासन दिया। जांजगीर जिले के पामगढ़ में पत्नी और बच्चों ने शराब पीने से मना किया तो अधेड़ ने लगा ली फांसी, सूचना पर पहुंची पुलिस। कोरबा को साफ सुथरा बनाने के लिए एक बार फिर से स्वच्छता अभियान का आगाज हो गया है। गुरुवार को वार्ड नंबर 1 से अभियान की शुरुआत की गई। इंदौर में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, किराना दुकान, ट्रेडर्स और स्टेशनरी सहित 3 दुकानों में लगी आग। आग लगने से हड़कंप की स्थिति। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, घटना में 2 की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल। बाजार में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की, मुखबिरी के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घर में सोते समय उखाड़ कर ले गए थे नक्सली। कला घोटकर की गई ग्रामीण की हत्या, 20 से 25 माओवादियों ने दिया घटना को अंजाम। कटिकल्याण थाना क्षेत्र का मामला। बेमेतरा में अपने मानदेय के लिए कोटवार संघ दर दर भटकने को मजबूर, कोटवारों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं। अपनी समस्या को लेकर संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे से मिले कोटवार संघ, परेशान कोटवारों ने संसदीय सचिव से लगाई गुहार। बेमेतरा के गश्ती चौक पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में हेल्पर युवक की गई जान, शव को घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मुरैना में नदी किनारे जुआ खेलते 17 जुआरी पकड़ाए, क्वारी नदी के किनारे चल रहा था जुआ का बड़ा खेल। दमोह में गाय चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक का सिर मुड़ाकर गांव में घुमाया। जिले के मारूताल गांव में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की आधी मूछ काटकर गांव में घुमाया। बैतूल के कांग्रेस विधायक नीले डाका का सनसनीखेज बयान, विधायक के मुताबिक पुलिस ने अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की सीडीआर निकलवाई। कांकेर में रिश्ते हुए शर्मसार, सगे मामा ने नाबालिग भांजी से किया दुष्कर्म, घर में अकेली पाकर घटना को दिया अंजाम। विदिशा के सभी बूथों पर मनाई पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि, समर्पण दिवस के रूप में मनी पुण्यतिथि, शुरू हुआ भाजपा का समर्पण निधि संग्रह अभियान। जांजगीर में कार की ठोकर से 20 फीट तक घसीटते गए छात्र, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ओवरटेक के चक्कर में स्कूली सवार दो छात्रों को तेज रफ्तार कार ने मारी ठोकर। भोपाल के जिले में बदला मौसम का मिजाज, 24 किलोमीटर की रफ्तार से चली ठंडी हवाएं, भोपाल के कई जिलों में तापमान में आई गिरावट। मध्य प्रदेश में ठंड को लेकर अभी बुरी खबर, मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन तक और ठंड रहने की उम्मीद। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री में गिरावट होने का अनुमान, पहाड़ों में बर्फबारी और हवाओं का रुख उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी होने के चलते बड़ी सर्दी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान रात या सुबह के समय अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। दिल्ली से सटे राज्यों में पंजाब हरियाणा समेत पश्चिमी यूपी में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 से 3 दिनों में लोगों को कपकपाने वाली ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुमान है कि झारखंड और बिहार में एक बार फिर बारिश के आसार हैं। दिल्ली में कोरोना के 1,317 नए मामले सामने आए, 13 लोगों की जान गई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,440 नए मामले सामने आए, 15 मरीजों की जान गई। एक दिन में 749 मरीज ठीक हुए। देश में इस समय एक्टिव केस 6,88,000 हैं, इसमें से 71% मामले सिर्फ 5 राज्यों में हैं। गुरुवार को 656 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई, मौतों का यह आंकड़ा 14 दिन बाद सबसे कम है। इससे पहले 29 जनवरी को 627 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इंदौर में घटने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आए। इंदौर में अभी 5,000 से कम एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1,000 नए मामले सामने आए, नए मरीजों की संख्या लगातार गिर रही है। 24 घंटे में 115 नए मरीजों के साथ दुर्ग बना हॉटस्पॉट, रायपुर में 113 तो बिलासपुर में 106 प्रकरण मिले। प्रदेश के लगभग 25 से ज्यादा जिलों में 100 से नीचे मिले मरीज, 1,699 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेशी यात्रियों के लिए देश में एंट्री लेने के नियमों में बदलाव किया। सरकार ने एट रिस्क देशों की कैटेगरी को खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग ने मणिपुर चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। अब पहले चरण का मतदान 28 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को होगा। इससे पहले 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को होने वाले थे। यूपी में चुनावी रण में 11 जिलों के 58 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 58 सीटों में से 53 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। अब पहले इस चरण में पश्चिमी यूपी को लेकर फैसला होना है। मुस्लिम समाज ने किया हिजाब का विरोध, समर्थन में उतरी कांग्रेस, बोला धर्म बांटने लगी बीजेपी। अगर स्कूलों में ड्रेस कोड बदला जाएगा तो मुस्लिम समुदाय करेगा प्रदेश में आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। हाईकोर्ट ने कहा था लेकिन शांति होना जरूरी है, कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। मीडिया को निर्देश देकर कहा कि वो अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग ना करें। लगातार तीन दिनों के शानदार उछाल के बाद भारतीय शेयर बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स 58,000 अंकों के नीचे आकर फिसला, निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट।